नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 क्वेश्चनों की सीरीज, जो मैं डे बाय डे हर डे 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं, राजस्थान जीके से रिलेटेड। इसमें आपकी पॉलिटी हो गई या ज्योग्राफी, जो भी कला संस्कृति, जो भी है, सारे जो भी क्वेश्चन है वो मिक्स में आएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों कितनी बार लगा था? तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो सर्वाधिक बार के लिए हमें पूछा गया। पहला ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत, दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया, तीसरा हरिदेव जोशी और चौथा है शिवचरण माथुर। तो सर्वाधिक बार पूछा गया तो वो लगा था अपने भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में। भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में दो बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब कब लगा था? तो पहला लगा था 1980 की और दूसरा लगातार 1992 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं? तो द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील हम कितने दिनों में कर सकते हैं, वो प्रश्न में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा है 30 दिन और फिर है 45 दिन या 60 दिन। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 60 दिन। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को हम कितने दिनों में अपील कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हम 60 दिनों के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अगर राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, बहुत अच्छा, दो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला इसमें है कि समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के। और तीसरा ऑप्शन है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। और चौथा लास्ट है समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल हमारे जो राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय है उनका क्या होता है? कुलाधिपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? पहला आया 1953, दूसरा 1954, 1955 या 1956। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना होती है दोस्तों 1953 के अंदर। तो राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन दिए गए हैं, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन क्या है? टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। दूसरा कथन क्या दे रखा है? हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं? उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पहला कथन टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा है हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला अगर टीकाराम पालीवाल किसके काल में पूछा जाए कि किसके काल में उप मुख्यमंत्री रहे, तो वो थे जय नारायण व्यास के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया है कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है के गोयल, दूसरा है हीरालाल देवपुरा, तीसरा है एस सी सुराणा और चौथा है एस के घोष। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अपने के गोयल। और पूछ ले राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1995 के अंदर हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता? क्या पूछा गया? नहीं होता शामिल, कौन शामिल नहीं होता? पहला आया मुख्यमंत्री, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा है विधानसभा का विपक्ष का नेता और चौथा लास्ट है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री जो समिति होती है उसका अध्यक्ष होता है।
और बाकी विधानसभा अध्यक्ष भी इसमें शामिल होता है, विधानसभा विपक्ष का नेता भी इसमें भाग लेता है, लेकिन कौन नहीं लेता, तो वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें भाग नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। सूचना नहीं देने पर पूछा गया है कितनी राशि जुर्माना आरोपित कर सकता है, तो ये राशि होती है 25,000। अगर हमें सूचना नहीं टाइम पे मिलती तो जो अधिकारी हमें सूचना नहीं देता उसके खिलाफ ये यानी ये जुर्माना राशि उसको चुकानी पड़ती है, और अगर डे प्रतिदिन की बात करें तो वो है ₹250 पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन है माराव संग्राम सिंह, दूसरा है नारायण सिंह मसूदा, और तीसरा है पूनमचंद विश्नोई, और चौथा है यशवंत सिंह नहार। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना पहला कौन, माराव संग्राम सिंह। तो राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो माराव संग्राम सिंह थे। अगला देखिए, राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसके मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी, यानी कौन सा भाग होता है उसमें जो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है, तो वो होता है अपना तीन चौथाई भाग होना आवश्यक है गणपूर्ति के लिए। ठीक है, तो ये थे अपने 10 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी, और नेक्स्ट श्रृंखला हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।